हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही धमाकेदार एक से बढ़कर एक किचन टिप्स। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बहुत ही स्मार्ट होम मेकर बनने वाले हैं, क्योंकि इतने अच्छे मैंने ट्रिक्स और टिप्स दिए हैं जो आपको बनाएंगे एक कुशल गृहिणी। तो इसमें आपके समय की भी बचत होगी और साथ ही साथ पैसों की भी बचत होगी। तो हमारी पहली टिप है प्रेशर कुकर के रिंग को लेकर। कई बार हमारे प्रेशर कुकर की रिंग है वो खराब हो जाती है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। कपड़े सुखाने वाली चीट बटन जो है कई बार इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है और इनको जगह नहीं मिलती है और ये घूम भी जाती है। तो इसके लिए ये है कि इस रिंग के अंदर इस तरह से चीट बटन को डाल दीजिए और रिंग लगा करके इसको एक तनी पर या खूंटी पर जहाँ भी इस तरह से आपको जगह मिलती है उसको टांग दीजिए। मार्केट में इस तरह की खूंटियाँ बहुत मिलती हैं, इससे खूंटी खरीद लीजिए और इस तरह से टांग दीजिए तो हमारी पूरी तरह से ये सेफ रहेगी। हमारी टिप नंबर टू है इस झर को लेकर के। ये झर तो मैंने नया खरीदा है और कभी बार ऐसा होता है कि झर है वो टूट जाता है, तो इसके पीछे वाला पार्ट अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो हम इसको फेंक देते हैं। तो लेकिन इस बार आपको ये फेंकना नहीं है। इस तरह से आप जहाँ पर हमें साबुन रखते हैं, बर्तन धोते हैं, वहाँ पर इसको लगा दीजिए और कपड़े सुखाने वाली क्लिप से इसको इस तरह से स्टेबल कर लीजिए। इससे आपकी साबुन का जो पानी है वो पूरी तरह से नीचे झर जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने विम बार रख दी है और आसानी से इसका पानी है वो नीचे झर जाता है और हमारे साबुन है वो बड़ी अच्छी पड़ी रहती है, गलती नहीं है और बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है। नेक्स्ट टाइम से आप इसको जरूर यूज करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है सिलेंडर को लेकर के। जहाँ हम सिलेंडर रखते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे पीले रंग का एक जंग सा जम जाता है जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। जहाँ पर भी हम सिलेंडर रखते हैं, चाहे वो किचन हो चाहे बालकनी हो, तो वहाँ पर देखिए कितना गंदा लग रहा है। यहाँ पर तो मैं आए दिन इसको साफ करती रहती हूँ इसलिए इतना गंदा नहीं है, बाकी आप देखते हैं कई घरों में भी कितना पीला पीला और गंदा एक गोल सा निशान बन जाता है, तो उसको बड़ी आसानी से हम हटा सकते हैं। इस तरह से हार्पिक लगा दीजिए और बस 2-3 मिनट के लिए इसको रगड़िए और ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से नीट एंड क्लीन ये हो गया है। अगली हमारी यूजफुल टिप है प्रेशर कुकर में चम्मचे या फिर फोक बिछाने को लेकर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है और आपको कुछ चीज़ें स्टीम करना है, या बच्चों के लिए कैरेट है, केला है, कुछ भी आपको स्टीम करना है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टीमर इस ट्रिक से बना सकती है। इस तरह से कुकर ले लीजिए और उसके अंदर से इस तरह से चम्मच की या फिर फोक की जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी एक तरह से लेवर बिछा दीजिए। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो हम लेयर बिछा रहे हैं ये लेयर बिल्कुल से बराबर से होने चाहिए और बराबर के चम्मचों की होने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक चम्मचों की और फोक की एक लेयर बिछा दी है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक प्लेट रख दी है जो इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो इसके बाद ये चलिए मैं आपको गैस पर भी लगा के दिखाती हूँ और ये बिल्कुल ही आसान ट्रिक है और ये नहीं है कि ये पूरी तरह से हिलने लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जिस भी चीज़ को हमें स्टीम करना है उसको इस तरह से भगोने में या किसी भी चीज़ में प्लेट के अंदर इस तरह से रख दीजिए और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पानी डाल करके आप इस चाहो तो ढक्कन भी ढक सकते हैं या फिर प्लेट भी लगा सकते हैं। बस ढक्कन ढकते हुए ध्यान में रखना है कि हमें इसकी जो सीटी है वो निकाल देनी है और या फिर इसके ऊपर प्लेट भी हम लगा सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से जो हमारी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से स्टीम हो जाती है और अब हमको बिल्कुल भी स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी अगली यूजफुल टिप एंड ट्रिक है जूतों को सुखाने के लेकर के। सर्दियों के मौसम में बड़ी ही दिक्कत होती है कि कैसे हमारे जूते हैं वो सूख जाए, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह से रबड़ ले लीजिए और रबड़ को इस तरह से अपने जूतों के अंदर इस तरह से लपेट दीजिए, 3-4 इस तरह से जूतों के अंदर लपेट दीजिए और उसके बाद में जो क्लिप्स की हमने ट्रिक बताई है ये क्लिप्स आसानी से इस तरह से मिल जाती है। तो इस तरह से क्लिप्स को इन रबड़ों के ऊपर लगा दीजिए और चलते हैं तार की तरफ जहाँ पर हमारी तार लगे हुए हैं, जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पर ये तार मेरे टंगे हुए हैं वहीं पर मैंने इस तरह से शूज को लगा दिया है और इस तरह से मैं अपने क्लिप वाला है वो भी इसी तरह से इस तार के ऊपर इस तरह से मैं लगा के रखती हूँ, जिसको हम तनी बोलते हैं। और इस तरह से आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए इस तार के अंदर से ये रबड़ निकालना है और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है ताकि जो जूते हैं वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह से कैप्चर हो जाए और बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। तो इस तरह से हमारे जूते चप्पल है वो बड़ी आसानी से धूप में आसानी से सूख जाते हैं और गिरते भी नहीं है और धूप भी लग जाती है।
अगर आपके घर पे धूप नहीं है तो भी बड़ी आसानी से ये मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उससे आप अपने जूतों को चप्पलों को अच्छी तरह से धो के सुखा सकते हैं। तो ये देखिए जूतों को अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद में आप अपनी लाइट के नीचे इनको रख दीजिए। लाइट में अच्छी अली गर्माहट होती है, उस गर्माहट से आपके जूते हैं ना बड़ी आसानी से सूख जाते हैं। तो अगर आपके घर में धूप नहीं आती है और आप धूप में नहीं सुखा पा रहे हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप अपने जूतों को बड़ी आसानी से सुखा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये जूते सूख जाते हैं। और अगर आप ये ट्रिक भी नहीं अपनाना चाहते हैं तो तीसरी एक ट्रिक और है कि आप इस तरह की जो खूंटियाँ आती है मार्केट में, इस तरह की खूंटी ले लीजिए और ये रबड़ जो हमने लगाया है उस रबड़ को इसमें टक कर दीजिए। और इस तरह से देखिए इन्हें दोनों शूज है वो लगा दिए हैं तो पानी है वो नीचे झरता रहेगा और ये जो खूंटियाँ है वो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको चिपका दीजिए और दोनों जूतों के जो रबड़ है इस तरह से उनको टंगा दीजिए तो बड़ी आसानी से आपके शूज है वो बड़ी आसानी से ही सूख जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और बस कोशिश कीजिएगा कि जो आप खूंटी लगाए हैं वो लाइट के नीचे हो तो ये आसानी से सूख जाएगी। तो मेरे चैनल पर मैं ऐसे ही ट्रिक अपलोड करती रहती हूँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।